हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हादसे में सिरोही निवासी मां बेटी की मौत, पाली के सांडिया गांव के नजदीक कार पलटी, सिरोही निवासी मां बेटी की मौत, पिता गंभीर घायल। सांडिया गांव के पास मंगलवार शाम को अचानक बेकाबू हुई कार डिवाइडर को क्रॉस कर गलत दिशा में जाकर पलट गई। हादसे में कार में सवार महिला व उसकी पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर घायल हो गया। पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के सांडिया गांव के पास मंगलवार शाम को अचानक बेकाबू हुई कार डिवाइडर को क्रॉस कर गलत दिशा में जाकर पलट गई। हादसे में कार में सवार महिला व उसकी पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक गंभीर घायल हो गया। सोजत थाना प्रभारी रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि सिरोही के हाउसिंग बोर्ड निवासी LEC अधिकारी महेंद्र देव सुमन, पत्नी विनीता सुमन उम्र 48 व पुत्री सोनाली उर्फ ओशो उम्र 26 वर्ष के साथ सोमवार को सिरोही के पुष्कर गए थे। मंगलवार शाम को वे अपनी कार से सिरोही की ओर लौट रहे थे। चंडावल से सांडिया के बीच गुड़िया नदी के पास ही अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर फांद कर गलत दिशा में जाकर पलटी खा गई। LIC अधिकारी कार ड्राइव कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी व पुत्री पिछली सीट पर बैठे थे। हादसे के दौरान कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बिखर गया, जबकि ड्राइवर साइड का हिस्सा कार के पलटी खाने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे कार चालक महेंद्र सुमन घायल हो गए, जबकि उनकी पत्नी विनीता सुमन, उनकी बेटी सोनाली उर्फ ओशो सीट के बीच में फंस गई। चंडावल पुलिस चौकी स्टाफ ने घायलों को बाहर निकाल कर निजी वाहन की मदद से सोजत अस्पताल पहुँचाया, जहां डॉक्टर्स ने मां बेटी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शव मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी है। जागरूक टीवी की सिरोही से खास रिपोर्ट।